लखनऊ की गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बर्दाश्त के बाहर हो गई है, और धूप तो इतना ज़्यादा है कि धूप में अगर कोई निकल जाए, अरे बाप रे बाप, धूप में इतना सहा नहीं जा सकता। एक तो हमारे घर में भाई एसी नहीं लगा है। अभी जब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मई जून में क्या होगा, और मुझे पढ़ना है बहुत ज़्यादा, मेरा एक टेस्ट होने वाला है, तो इसलिए मैं निकल दिया हूँ कहीं जाके, अब आराम से सुकून वाली जगह पढ़ूंगा, देखता हूँ कहाँ निकलता हूँ। चलो भाई कोई बढ़िया रूम लो यार पहले, जहाँ पे एसी लगा हो। से आराम से पढ़ूंगा, कम से कम 5-6 घंटे तक पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए रूम का पूरा पैसा वसूल पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा आज मारूंगा। थैंक्स टू मी, थैंक यू भाई, वेलकम ब्रो। रूम में हमें 2 लोग हैं अभी, देखते हैं शायद अभी कोई और आता है कि नहीं, राज आता है कि नहीं। अब यहाँ से पढ़ने बैठता हूँ, आपको मैं क्या ही बताऊँ, बता ही देता हूँ। एक तो रूम में आज सुबह से मनोज भैया नहीं आए थे, सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया है भाई। अभी कुछ ऑर्डर कर देना यार प्लीज़ भाई, ठीक है? ओके, अभी शिक्षा से कुछ ऑर्डर करवा रहा हूँ और अभी यहीं पे खाना खाऊंगा, और यहाँ पे कम से कम 4-5 घंटे लगातार पढ़ूंगा, नॉन स्टॉप पढ़ूंगा, पढ़ते ही रह जाऊँगा। यहाँ पे एसी ठीक ठाक चल रही है, एकदम ठंडा किया है रूम, एकदम टेम्परेचर मेंटेन है। बाहर तो भाई रहने लायक नहीं है, अगर बाहर 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा सा चले जाओगे ना, ऐसा लगेगा जैसे कि किसी दूसरे ग्रह पे आ गए हैं, मून ऊन पे चले गए हैं। लेकिन मून पे तो ठंडा होता है ना, मरकरी पे चले गए हैं भाई। क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी है जब अप्रैल के बीच महीने में ये हाल है, तो मई जून जुलाई में जो गर्मी वाला लू चलता है उसमें क्या होगा? भीख तो तुम अभी भी मांगते हो। अभी मेरे साथ वही लड़का है जिसकी चर्चा मैंने की थी इंडिगो वाले ब्लॉग में, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लोग इंडिगो वाले फ्लाइट पे गए और गरीब हो चुके हैं ये लोग, कि ये लोग रूम नहीं बुक कर पा रहे हैं, पढ़ने के लिए गर्मी पसीने पड़ रहे थे बच्चे, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बच्चों के लिए रूम बुक कर दिया। बताइए क्या कर सकते हैं, हमारे उज्जवल भविष्य है देश के। वैसे तो हम लोग रूम बुक किए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अभी 2-3 बदमाश और आ रहे हैं, अगर आ जाएंगे तो पबजी शुरू हो जाएगा, लेकिन खेलेंगे नहीं। मैं तो पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अभी इसके बगल वाला भी रूम बुक किया है हम लोगों ने, 2 रूम यहाँ पे बुक किया है, 102 बुक किए हैं दोनों, 103 में कोई कपल है, गंदी बात। चुप साले, ऐसी आवाज मत निकालो कि सबको लगे कि हम लोग गे हैं। तो ठीक है, अभी खाना ऑर्डर करते हैं, तब दिखाते हैं आपको क्या ऑर्डर किया है शिक्षा ने। अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, कम से कम बाटी चौका नहीं भाई, कम से वो मंगा दो, एक हांडी पनीर मंगा दे रहे हैं, हाँ नवरात्र चल रहा है, वो मंगा दे रहे हैं, बटर रोटी नॉन बटर रोटी, ठीक है ओके। मेरा होंठ कितना ज्यादा पिंक लग रहा है। करीब 1.5 घंटे से लगातार पढ़ाई कर रहा था, भूख लग गई है बहुत तेज भाई, अभी खाना ऑर्डर किया है लेजेंड इन से भाई, अब खाना खाएंगे सबसे पहले क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है भाई। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ यार, एक तो मनोज भैया आए ही नहीं, खाना क्या बताऊँ मैं, परेशान हो गया हूँ मैं। बटर नॉन रोटी और ये है हांडी पनीर। तो मैं खाना खा लिया हूँ, खाना खाने के काफ़ी देर तक पढ़ाई करता हूँ। अभी टाइम जो है वो 6:30 बजने वाला है। अब मुझे हल्के हल्के से नींद आ रही है, अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा या फिर आराम करूँगा। अभी रूम में अकेला हूँ, कोई है भी नहीं, शिक्षा भी गया है बाहर। तो अब मुझे हल्की हल्की सी नींद आ रही है काफ़ी देर पढ़ाई करने के बाद, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने के लिए।
बाल और दाढ़ी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं क्योंकि कटवा नहीं सकता, नवरात्र चल रहा है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर एक और नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो रूम है ये हम लोगों को कितने में मिला होगा, कुछ भी गेस कीजिए कितने में मिला होगा, गेस करके ज़रूर बताइए कि ये रूम हम लोगों को कितने में मिला होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।